नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। कोरोना को लेकर लगातार गिरावट देखी जा रही है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो पिछले कुछ दिनों से यही दर्शा रहे हैं कि कोरोना के केसेस में कमी आई है। कई ऐसे राज्य हैं जिनमें हजारों की तादाद में केसेस सामने आ रहे थे, 40-40, 50-50 हजार मामले सामने आ रहे थे। वो राज्य अब 6-7 हजार पर ही सिमट कर रह गए हैं और हमारा इशारा दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की तरफ है। खैर, इन सबके बीच देश में करीब 40 दिन बाद ऐसा हुआ है कि कोरोना के एक दिन में 2 लाख से भी कम नए केसेस सामने आ रहे हैं। बता दें आपको, 16 अप्रैल को 24 घंटे में 2,17,353 नए मामले सामने आए थे और 16 अप्रैल के बाद लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। और आपको याद होगा, मई के शुरुआत में तो ये आंकड़ा 4 लाख तक पहुंच गया था, उससे भी बल्कि आगे ही निकल गया था। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से लगातार यह आंकड़ा घट रहा है और बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट फिगर जो निकलकर सामने आई है वो ये कि 1,95,815 यानी कि लगभग 1,96,000 के आसपास नए मामले सामने आए हैं, यानी कि 2 लाख से भी कम केसेस हैं। अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौतें कितनी हुई हैं, तो ये आंकड़ा है 3,498, यानी कि ये आंकड़ा भी घटा है पिछले कुछ दिनों के मुकाबले। अब अगर देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा देखें तो 2,69,47,496 है। देश में अब तक जितने मरीज ठीक हुए हैं उनकी संख्या देखें तो 2,40,47,760 है और देश में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 3,07,249 है। वैसे एक आंकड़ा सामने आया है जिसमें भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत ऐसा तीसरा देश है जहां पर अब तक कोरोना से 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। खैर, अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट घट रहा है और जो रिकवरी रेट है उसमें इजाफा हो रहा है। आने वाले वक्त में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही हम सब इस कोरोना को मात दे सकेंगे। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो तीसरी लहर का भी दावा कर रहे हैं। खैर, फिलहाल जो राहत की खबर है वो ये कि कोरोना के केसेज में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में 2 लाख से भी कम केसेज रह गए हैं। कुल मिलाकर ये पूरी खबर है, कोरोना अपडेट है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।